अभी हाल ही में मी टू कैंपेन को लेकर खुलासा करते नजर आए सिंटा के मेंबर सुशांत सिंह, जिन्होंने किया एक बड़ा खुलासा। उन्होंने कहा, तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर विवाद के बाद मी टू मोमेंट का हिस्सा बनने वाले नए नए चेहरों के बारे में जिन्होंने कॉम्प्लेन किया है, अगर सुशांत की माने जो कि सिंटा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंट इश्यूज ऑफ मी टू कैंपेन पर बात करते नजर आए, तो उनकी नजर में कोई भी कॉम्प्लेन करने वाला मी टू मोमेंट का हिस्सा विक्टिम नहीं हो सकता। उनकी माने तो विक्टिम क्यों कहा जा रहा है, इस पर वो सवाल करते नजर आए, गुस्से में नजर आए जिन्होंने उन लोगों के बारे में बात की जो कि लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाते हैं और मजबूरी में 8-8 साल तक, 10-10 साल तक, सालों सालों तक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की बात सुनने पर मशहूर होते हैं और महज 18 मिनट के सीन के लिए उन्हें घंटों घंटों तक काम करना पड़ता है। सुशांत सिंह राजपूत ने इसके अलावा और भी कई बातें की है। उन्होंने बताया कि विक्टिम नहीं हो सकता कॉम्प्लेन करने वाला, मतलब साफ जाहिर हुआ है ये बात कि तनु श्री दत्ता जिन्होंने कंप्लेन किया नाना पाटेकर के खिलाफ, पूजा मिश्रा जिन्होंने खान परिवार शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ कंप्लेन किया, और तो और अनु मलिक आलोक नाथ के ऊपर जो भी इल्जाम लगाए गए, जो कमेंट किए गए हैं, जो कंप्लेन आया है मी टू मोमेंट में, मी टू अभियान को लेकर, वो कभी भी विक्टिम नहीं है। अब कैसे ये चीज जाहिर हुआ है, आइए सुनते हैं इस खास वीडियो में। सिर्फ नॉर्मल हैरेसमेंट कंप्लेंट पर, बैड वर्किंग कंडीशंस, इस कंप्लेंट पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट वालों का क्या हाल होगा, भगवान जाने। तो मेरी अपील है अपने सीनियर्स से, हमारे स्टार्स से, प्लीज इस वक्त हमें जरूरत है कि आप हमारी ताकत बने, हमारी आवाज बने, ताकि सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट ही नहीं और भी केसेस में हम लोगों को विक्टिम बनने से बचा सकें। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, ब्रॉडकास्टर्स, प्लीज बदलाव की जरूरत है। टीवी इंडस्ट्री का हाल क्या है आप सबको मालूम है, कितने एक्टर्स बीमारी में भी शूट करते हैं। सलीन ड्रिप चल रहा होता है सेट पर, वो ड्रिप हटा हटा करके शॉट देते हैं, क्यों? क्योंकि दिन की 18 मिनट की फुटेज चाहिए किसी भी कीमत पर, कल का टेलीकास्ट है। बरसों से यही चल रहा है, सालों सालों से जो सीरियल चल रहे हैं 7-7, 8-8 साल से, वो भी आज तक कल के टेलीकास्ट के लिए शूट कर रहे हैं। जब आपका इकलौता एम कोर ऑफ इंडस्ट्री बन गया है 18 मिनट की फुटेज, कंटेंट की क्वालिटी क्या है, परफॉर्मेंस की क्वालिटी क्या है, रहने की क्वालिटी क्या है, मेकअप रूम्स की क्वालिटी क्या है, वॉशरूम्स की क्वालिटी क्या है, ट्रैवलिंग में कितना टाइम जा रहा है, कुछ नहीं। 12-15-18 घंटे काम हो रहा है, सोने का टाइम नहीं मिलता, ओवर स्ट्रेस होकर के यंग पीपल हैव डाइड ऑल्सो, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स, महीनों महीनों पेमेंट नहीं मिलते हैं। 3 महीने का पेमेंट तो हमारा वैसे ही है, 90 दिन की साइकिल है, 90 दिन का उधार तो हमने दिया ही हुआ है। लास्ट में जब सीरियल बंद हो जाता है, हमारा 90 दिन का पेमेंट, 3 महीने का पेमेंट अटका होता है, वो बार्गेनिंग चिप बन जाता है तकरीबन हर प्रोड्यूसर के लिए। लॉस हो गया जी, एडजस्ट कर लो, साल 2 साल तक दौड़ाते रहते हैं उस पेमेंट के लिए, फाइनली थक हार के हम खुद कहते हैं कोई नहीं यार 50% ही दे दो, कुछ तो दो, परिपाटी बन गई है। अभी तो खबर आई, एक चैनल ने भी, एक प्रोड्यूसर जिसको लॉस हो गया, उसको कहा कि अरे यार तो पूरा क्यों दे रहे हो, 50% में सेटल करो ना, सब करते हैं। प्रोड्यूसर और चैनल का लॉस हम कब तक भरते रहेंगे और क्यों भरें, क्यों भरें? मेरा घर इसी से चलता है, मेरा प्रोफेशन यही है, मेरी ईएमआई, बच्चों की फीस सब इससे जाती है, आपका लॉस मैं क्यों भरूं? मैं खुद प्रोड्यूसर क्यों ना बन जाऊं भाई, मुझ में हिम्मत नहीं थी तो मैं प्रोड्यूसर नहीं बना। अपना लॉस आप भरिए ना, प्रॉफिट में से किसने हिस्सा दिया आज तक? 2015 से कह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट तो एक हिस्सा है। एक सेट पर गए थे, जय संतोषी मां के सेट पर, रतन राजपूत लीड कर रही थी, तकरीबन 90 सेट्स वी विजिटेड टू चेक वर्किंग कंडीशंस, बाथरूम्स का हाल, फायर एक्सटिंग्विशर कहां है, फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर्ड है, यूनिट को मालूम ही नहीं फायर एक्सटिंग्विशर है कहां पर, फर्स्ट एड बॉक्स कहां है, उसमें सारी मेडिसिन एक्सपायर्ड हैं, फायर ड्रिल तो आज तक हुई नहीं है किसी सेट पर। अब जब आग लग गई, कोई मर गया, उसके बाद एक दो सेट्स पर हुई। 2015 से वी बीन प्रेसिंग
फायर ऑडिट करवाइए, फायर ड्रिल करवाइए, हेल्थ एंड सेफ्टी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, लेट्स इस पर काम करते हैं, सारी प्रोड्यूसर काउंसिल से कह रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। आज फिर से अपील है उन सब से, हम सबसे केओटिक, सबसे लुक्ड डाउन अपॉन इंडस्ट्री, टेलीविजन खासकर, क्यों हैं? हमारा पड़ोसी मुल्क जिसको हम एनिमी 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 कहते रहते हैं, उसका कंटेंट देखिए, अपना कंटेंट देखिए, क्यों हैं हम ऐसे? क्यों हम कंप्लेन करने वालों को विक्टिम बना देते हैं? क्या हम यह संदेश देना चाहते हैं, हमारे खिलाफ आवाज मत उठाओ, हम बदलना नहीं चाहते, ये ही है जो है, या तो सहो या जाओ, आवाज उठाओगे काम जाएगा। इज दैट द मैसेज ब्रॉडकास्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स वॉन्ट टू सेंड टू द वर्ल्ड? दिस फ्यूडल माइंडसेट, दिस इज आवर क्वेश्चन। डू वी नॉट वॉन्ट टू चेंज? या तो कह दीजिए नहीं नहीं बदलना है हमें। एक डॉक्यूमेंट्री है उपेंद्र चान्ना जी ने बनाई है, उसको तकरीबन 100 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं अब तक, 100वां आज मिला है, लिविंग ऑन द एज, डी ग्लैमराइजिंग बॉलीवुड। उसकी स्क्रीनिंग हमने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एक्टर्स की अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग हुई थी, जहां सुनील सिन्हा और अमित बहल गए थे हमें रिप्रेजेंट करने, वहां दिखाई उनको, और इंटरनेशनल कम्युनिटी देख करके दंग रह गई कि हमारे यहां वर्किंग कंडीशंस ऐसी हैं। फिया और हमारी सिस्टर कंसर्न्स सैग एफ्ट्रा, एक्टर्स इक्विटी, एक्ट्रा, बड़ी बड़ी यूनियंस, 83 कंट्रीज फिया की पार्ट हैं। फिया ने लेटर लिखा है इंडियन ब्रॉडकास्टर फोरम को कि आप कृपया सिंटा के साथ डायलॉग शुरू करें, कंडीशंस चेंज होनी चाहिए। यहां हमारे एक्टर्स भले ही माने ना माने, जिस दिन भी हम स्ट्राइक कॉल दें, शूटिंग बंद हो ना हो, लेट दिस मैसेज बी वेरी क्लियर, देर आर सम वेरी पावरफुल यूनियंस बैकिंग अस एंड ऑल द इंटरनेशनल प्लेयर्स, सारे चैनल्स जितने हैं, हम सब इंटरनेशनल, सब इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, सबका पेरेंट कंट्री कुछ और है एक्सेप्ट वन और टू। आप सबसे आपके देशों में सवाल पूछे जाएंगे, वहां की हमारी सिस्टर यूनियंस आपसे सवाल पूछेंगी। सो प्लीज डू नॉट इग्नोर अस, वी डोंट इंटेंड टू बी अ स्मॉल वॉइस एनी मोर। जिस एक्सटेंट तक जाना होगा जाएंगे, प्रोड्यूसर बॉडीज भी, नो वी विल फाइट। इफ यू ट्राई टू विक्टिमाइज अस, विल स्टिल फाइट बैक। जो दो एक्टर हमारे इस वक्त अनएम्प्लॉयड हैं, चैनल ने इनका आर्बिट्रेटर, बिकॉज इनके कॉन्ट्रैक्ट में था कि चैनल सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकता है किसी को भी, जिस एसोसिएशन का प्रोड्यूसर खुद मेंबर है, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है, उस एसोसिएशन इम्पा को चैनल ने सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया। क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ब्लेटेंटली इलीगल, बट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आप कर सकते हैं। एक्टर्स को फोर्स किया गया कि आप वहां आए आर्बिट्रेशन के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए जाते हैं, इम्पा के 19 मेंबर बैठे हैं, 2 मेंबर्स का आर्बिट्रेशन के लिए, 19 मेंबर्स। हमारा लॉयर साथ में गया, बोलते हैं हम लॉयर को रिकॉग्नाइज नहीं करते। आर्बिट्रेशन में आप लॉयर को कैसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते? आर टीम स्टार्टेड वॉकिंग अवे, दे सेड नहीं नहीं नहीं, इनको रोकिए, तो फैमिली मीटिंग है। दे सेड नहीं सर, अगर आप 19 बैठे हैं तो सिंटा के भी पूरे होने चाहिए ना। बोले नो वी डोंट रिकॉग्नाइज सिंटा, इम्पा डजंट रिकॉग्नाइज सिंटा। व्हाई? बिकॉज वी हैव फाइल्ड लीगल केसेस अगेंस्ट देयर मेंबर्स जो रेगुलर डिफॉल्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल मीनाक्षी सागर, जिसकी पर्सनल गारंटी ली थी इम्पा ने कि अगर इन्होंने पेमेंट नहीं दिए हम गारंटी लेते हैं, इस गारंटी पर हमारे एक्टर्स जो शूटिंग रोक कर बैठे थे उन्होंने काम शुरू किया, फिर भी डिफॉल्ट किया पेमेंट में। वी वेंट टू कोर्ट एंड वील कीप गोइंग टू द कोर्ट्स बिकॉज वी आर नॉट स्केर्ड। इस कुर्सी पर इसलिए नहीं आए थे कि डर करके चुप हो जाएं या हाथ खड़े कर दें, हमसे तो नहीं होता, हमसे नहीं होता तो अदालत से होगा, पुलिस कंप्लेंट करेंगे। आप हमें डीरिकॉग्नाइज कर सकते हैं सर, आज दुनिया हमें रिकॉग्नाइज करती है। सो इट्स बेटर दैट यू कम बैक टू द नेगोशिएशन टेबल, लेट्स टॉक। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।